आज शांति समिति की बैठक हुई, उसको लेकर देखिए बकरीद को लेकर के अलग अलग जोन पे हम लोग चार जोन में बांट करके शहरी एरिया को शांति समिति की मीटिंग कर रहे हैं। और अभी जैसे आज के दिन में दो मीटिंग थी, एक परसुडी में मीटिंग थी और एक बिष्टुपुर में। बिष्टुपुर में कदमा, सनारी, जुगसलाई और साक्षी और बिष्टुपुर, इन पांच स्थानों का रखा था। दो जगह पे कदमा और सनारी के लोग ज़्यादा उपस्थित नहीं हो पाए, लगता है वहाँ पे कम्युनिकेशन गैप है। ऑफिसर इंचार्ज छुट्टी पे रहने के कारण, डीएसपी साहब भी छुट्टी में हैं, इसलिए नहीं हो पाया था। जो उनके इंचार्ज थे उनको किसी कैसे कम्युनिकेशन नहीं हो पाया है, लेकिन बाकी जगह सभी कई लोग उपस्थित थे। और बकरीद को किसे हर्षोल्लास से मनाया जाएगा, इसी के लिए इनसे सुझाव लिया जा रहा था। फिर इस कमेटी के सदस्यों से सभी ने अपना अपना सुझाव रखा। कुछ कुछ में लोगों को साफ़ सफाई का बात उठाया, कहीं पे पानी सप्लाई की बात उठाया। इन लोगों का डिमांड था कि पर्व में तीन बार पानी दिया जाए, तो उन सब बातों को नोट किया गया। और साथ साथ जुस्को के लोग भी थे और जुगसलाई के लोग भी थे, सबके सामने सभी बातों का डिस्कशन किया गया था। और हम लोग कोशिश करेंगे सब जगह साफ़ सफाई हो जाए। कहीं कहीं चूँकि कुर्बानी का समय है, खून इधर उधर नहीं बहे, कोई गलत फहमी नहीं जाए, तो इसलिए गड्ढा खोदने के लिए, चार पांच जगह गड्ढे खोदने के लिए कहा गया है। तो इन सब चीज़ों को करने के लिए हम लोग सारे कोई तत्पर हैं और हम लोग उसको पूरा करेंगे, ताकि लोग हर्षोल्लास से अपना पर्व मनाएं। और साथ साथ दोनों समुदाय के लोग थे, बल्कि सिख समुदाय के लोग भी थे और हर समुदाय के लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। पीस कमेटी में सभी ने एक दूसरे को सहयोग करने का, एक दूसरे का आदर करने का, एक दूसरे के पर्व को सहर्ष मनाने के लिए सब ने स्वीकार किया है। और सब ने बहुत बढ़िया से शांतिपूर्वक ढंग से सब ने अपने अपनी बातों का रखा है और एक दूसरे को सहयोग करने के लिए कहा गया है। और पीस कमेटी को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए कहा गया है, ताकि हम लोग और अधिक से अधिक बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। इन्होंने सभी ने कमिटमेंट किया है और हम हमेशा हम लोग रामनवमी के समय पे और बीच में बहुत सारी बातें आई थी, जो रांची वगैरह दंगा हुआ था, तो उसको लेकर के भी हम लोगों ने बहुत अच्छा ढंग से लोगों ने उसको टेकल किया और अच्छा लोगों ने, यहाँ के लोग ने सहयोग किया। यहाँ पे किसी प्रकार की कोई घटना नहीं घटी, इसके लिए लोगों को धन्यवाद भी दिया मैंने। और साथ साथ उससे पहले भी अभी जो योजनाएँ विभिन्न प्रकार के रेल जाम वगैरह बिहार में देखते होंगे, बहुत सारी ट्रेन को जलाया, लेकिन यहाँ पे उसमें भी लोगों ने सहयोग किया, यहाँ पे किसी प्रकार का कोई क्षति नहीं किया, इसके लिए भी हम लोगों ने काफ़ी धन्यवाद दिया लोगों से। और सब कोई का सहयोग हमेशा रहता है। और कोविड को भी अभी जो कोविड के केसेस बढ़ते हैं, उनके बारे में भी हम लोग डिस्कस किए कि आप पुराने प्रोटोकॉल, जो कोविड के प्रोटोकॉल को अडॉप्ट करने के लिए भी हिदायत दी गई।